बनर्जी से बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। देश में फिर बड़े कोरोना केस, 40,000 से अधिक नए मरीज, 562 लोगों की मौत। दिल्ली नाबालिग रेप के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केजरीवाल का लोगों ने किया विरोध, मंच से गिरे केजरीवाल। 15 अगस्त को पीएम मोदी का रास्ता रोकने की रची साजिश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सामूहिक हिंसा से नहीं पाई जा सकती वैधानिकता, जयशंकर का तालिबान पर परोक्ष निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां थाना जगदीशपुरा के अब्दीपुरी चौकी क्षेत्र का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल वायरल वीडियो में असामाजिक तत्व चौकी पर हुड़दंग मचा रहे हैं। वहीं चौकी प्रभारी की सीट पर पैर रखकर असामाजिक तत्व का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवकों को पुलिस का खौफ नहीं है, चौकी को नशेबाजी का अड्डा बना रखा है। चौकी प्रभारी की कैप पर पैर रखकर असामाजिक तत्वों का वीडियो वायरल हुआ है। थाना अवधपुरी चौकी का बताया जा रहा है वीडियो, 2-3 दिन पूर्व का वीडियो वायरल हुआ है। चुस्त पुलिसिंग का दावा करने वाली पुलिस के दावे हुए फैल। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, बरेली के फरीदपुर नगर के मोहल्ला फरकपुर निवासी हरिशंकर गुप्ता, 65 वर्षीय पुत्र शुक्लाल गुप्ता, SBI के सामने तंबाकू गुटखा का कारोबार करते थे। मोहल्ले के ही छोटे पुत्र बलि से 20,000 रुपए का लेन देन था। तगादा करने पर हावी होते थे दबंग। 1 अगस्त को दबंगों ने हरिशंकर गुप्ता पर अपनी पुत्री के दुष्कर्म करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं आरोपी पुलिस की दहशत से फरार हो गया। मंगलवार को रेप के आरोपी वृद्ध काशव नौगवा गांव के निकट रेलवे लाइन के समीप खेत में पंपापुर के पेड़ से कुर्ते के सहारे लटका मिला शरीर पर मारपीट और खून के निशान थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस, फरीदपुर पुलिस का बयान, पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। है उत्तर प्रदेश के बांदा से, बांदा में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग संजीदा है। टीकाकरण का ग्राफ बढ़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ महाअभियान चलाया गया। एक दिवसीय अभियान में 24,000 आबादी को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। शाम 5 बजे तक 35% यानी 8,062 लोगों ने टीका लगवाया। शहर के अलीगंज स्थित गायत्री शक्ति पीठ में बने टीकाकरण केंद्र का जिलाधिकारी ने फीता काटकर टीकाकरण की शुरुआत कराई। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है, इसे लोगों को बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार पूरे देश व प्रदेश में टीकाकरण अभियान चला रही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग की तैयारियां पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन व स्टाफ तैनात रहा। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से, सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीन महाअभियान के दिन जमकर मारपीट हुई है। टीकाकरण को लेकर पथरा थाना क्षेत्र के उपकेंद्र पर मारपीट हुई है। भीड़ की वजह व अपने अपने नंबर को लेकर आपस में लोगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैक्सीन को लेकर पथरा उपकेंद्र पर मारपीट हुई है। कोरोना वैक्सीन की टोटल संख्या 130 उपकेंद्र पर उससे अधिक पहुंची संख्या। मौके पर पहुंची पुलिस और घटना का जायजा लिया। सभी निकट उपकेंद्रों पर लगाई गई पुलिस ताकि सही तरीके से वैक्सीन लगवाई जाए। आज दोपहर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, सूबे के कई जिले अब तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसी कड़ी में एटा जिले में भी कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। जिले में कोरोना से 9,749 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 121 लोगों की मौत हो गई थी और अब बचे हुए 9,628 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं लोगों का मानना है कि जिले को कोविड फ्री करने में सरकार की अहम भूमिका रही है। वैक्सीनेशन का समय पर कराना, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के अलावा समाज सेवियों द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये सब सरकार के निर्देश पर ही संभव हो सका है, जिससे आज एटा जिला कोरोना से मुक्त हो चुका है। साथ ही MCH विंग के 100 बेड पर वैकल्पनिक व्यवस्था के तहत मैनीटोल्ड द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी आप सब लोगों ने कोरोना काल के अंदर एक ऐसा दौर देखा जिसमें पूरे भारत के अंदर इस बीमारी की वजह से ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी। लोग
बहुत भयावह स्थिति में दिखाई दिए, न्यूज भी बनी, प्रश्न चिन्ह भी उठे। इसको देखते हुए तुरंत हमारी सरकार ने, हम जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कदम उठाए। उसी कदम की श्रृंखला में आज एटा जिले के अंदर महिला चिकित्सालय के अंदर पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अपने एटा को शुभारम्भ हो गया है और शीघ्र ही 3 जगह और प्लांट हमारे शुरू होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे एटा के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी, इससे वेंटिलेटर भी चल सकेंगे और नॉर्मल ऑक्सीजन के पेशेंट्स के लिए भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और ये जो तीसरी लहर की जो संभावना बता रहे हैं, यदि हम सुरक्षित हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरी का, डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसको हरा सकते हैं। और यदि किसी केस में दोबारा से ऐसी लहर या कुछ आती है तो हम लोग प्रशासन रूप से, हमारा सब डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल्स सभी तरीके से तैयार हैं, दवाई भरपूर है, ऑक्सीजन का आपने स्वयं देखा। और ये तैयारियाँ एक सरकार की आने वाले समय के संवेदनशीलता और एक प्रशासन रूप से क्षमता को प्रदर्शित करती है। और मेरा बड़ा प्रसन्नता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें ये शुभारंभ ना हो रहा हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।